आज पुलवामा हादसे और हमले को हुए एक वर्ष हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत और शौर्य को नमन करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये पूरा देश उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। हमारा सर झुका है उनकी शहादत में, हमारा सर झुका है उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। जग जाहिर है कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक जिसके चलते ये हमला हो गया, उसको लेके एक साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने चुप्पी धारी। राष्ट्रीय सुरक्षा में श्रेय लेने पे भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे होती है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक और राष्ट्रीय सुरक्षा जब इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, उनके जब प्रश्न उठते हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी मौन व्रत धार लेती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेना का, सैनिकों की शौर्यता का, बलिदान का केवल उपयोग करना जानती है, केवल इस देश की सेना को एक राजनीतिक छड़ी की तरह इस्तेमाल करती है, एक वोट बटोरने का जरिया है इस देश की सेना भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया इस देश के सैनिक, सैनिक के परिवार, देश की शौर्यता, देश के जो सैनिक का बलिदान है, उसकी तरह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के वक्त रवैया होता है, हम साथ साथ हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया उन शहीद परिवारों की तरफ होता है, हम आपके हैं कौन।